नमस्कार। एक वक्त ऐसा था कि वेस्टइंडीज की टीम T20 के धाकड़ बल्लेबाजों से लैस हुआ करती थी, एक से बढ़कर एक बेहतरीन बल्लेबाज, जिसमें डॉन ब्रेवो का नाम ले लीजिए, आंद्रे रसेल का नाम ले लीजिए, क्रिस गेल को आप कैसे भूल सकते हैं उनका नाम इसमें ले लीजिए, और साथ ही साथ एक और नाम है इसमें, कायरन पोलार्ड। ये चारों प्लेयर ऐसे थे जो किसी भी एक तरीके से जो हारी हुई बाजी थी उसे जीत में पलट सकते थे। पहली बार ऐसा हुआ 6 सालों में या 6 साल बाद ऐसा मौका आया जब ये चारों प्लेयर एक साथ वेस्टइंडीज की T20 टीम का फिर से हिस्सा बने, और हुआ क्या कि इस टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। आप सबको बताएं कि इस वक्त वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच T20 मैचों की सीरीज चल रही है। इसमें जो पहला मुकाबला था जो वेस्टइंडीज ने जीता, 161 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ वेस्टइंडीज की टीम, और उसको 15 ओवर में सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर वेस्टइंडीज की टीम ने हासिल कर लिया है। सबसे बड़ी बात यह कि कैरेबियाई टीम ने 8 विकेट से इस मैच को अपने नाम किया। सबसे खास बात यह रही कि क्रिस गेल, कायरन पोलार्ड, आंद्रे रसेल और ये जो डॉन ब्रेवो, ये चारों प्लेयर धाकड़ प्लेयर बहुत दिनों बाद 6 साल बाद एक साथ नजर आए हैं। इसके पहले 2015 में ये देखा गया था कि ये सारे प्लेयर एक साथ किसी एक मैच में खेल रहे थे। वैसे आपको बता दें कि इस पूरे मैच में जो कैरेबियन गेंदबाज रहे जिनका नाम है फैबियन एलेन और डॉन ब्रेवो, उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, दोनों ने 2-2 विकेट हासिल किए, और एविन लुइस उनकी बल्लेबाजी बहुत शानदार रही, उन्होंने 35 गेंदों पर 71 रन बनाए और 4 चौके लगाए, 7 छक्के लगाए। क्रिस गेल ने 24 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली, धुआंधार पारी खेली जो कि नॉट आउट रहे आखिर तक, और इस तरह से वेस्टइंडीज ने 2 विकेट के नुकसान पर यह पूरा मैच अपने नाम 8 विकेट से कर लिया। ये वेस्टइंडीज के रिकॉर्ड में या इतिहास में अपने आप में बहुत यादगार मैच कहा जाएगा। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 6 सालों बाद चूंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर्स एक साथ T20 टीम का हिस्सा बने थे, इसलिए ये मैच याद किया जाएगा।